हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पे स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ऋषि पंचमी जो इस साल 2019 में 3 सितंबर को है, ऋषि पंचमी करने का लाभ क्या है, क्यों किया जाता है और इसकी जो रोचक बातें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहते हैं। पूजा के समय नियमों में जाने अनजाने में भूल होने पर भी घर में धीरे धीरे कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है और सुख शांति भंग होने लगती है। तो यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो पूजा करते समय भूलकर भी कुछ गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। सप्त ऋषियों की स्थापना करने से पहले आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। इनकी पूजा करते समय गो घृत की आहुतियाँ देना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं करने से ऋषि नाराज़ हो जाते हैं। उपवास के दौरान हल की जुताई वाले अनाज व्रत में शामिल नहीं करें। माहवारी के समय समाप्त होने के बाद इसका उद्यापन करें तो आपको करते रहना है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन चारों वर्णों को स्त्रियों को चाहिए कि वे व्रत करें। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के पच्छालन के लिए स्त्री तथा पुरुषों को अवश्य करना चाहिए और इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। तो ऋषि पंचमी कैसे करें? ऋषि पंचमी के दिन प्रातः नदी आदि पर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, तत्पश्चात घर में ही किसी पवित्र स्थान पर पृथ्वी को शुद्ध करके हल्दी से चौकोर जो चौक है पूरा वो बनाए, फिर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। इसके बाद गंध पुष्प धूप दीप नवेद्य आदि से सप्त ऋषियों का पूजन करें। अब व्रत की कथा सुनें और आरती कर प्रसाद वितरित करें। तदुपरांत बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुए शकादि का आहार करें। तो इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की सोने की 7 मूर्तियां बनवाएं। तत्पश्चात कलश स्थापना करके यथाविधि पूजन करें और अंत में 7 गोदान तथा 7 युग्मक ब्राह्मण को भोजन कराकर उनका विसर्जन करें। आज के समय में आप सोना और गाय तो आप दान नहीं कर सकते हैं, तो हल्का हल्का सा जो होता है एक एक जो डंडी है वो सिंबॉलिक होता है, आप वो दान कर सकते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत अन्य व्रत उपवासों से कुछ अलग और अनोखा है और इस व्रत को करने की विधि से लेकर इसका उद्देश्य और लाभ भी बिल्कुल अलग है और बेहद महत्वपूर्ण है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के साथ साथ विशेष रूप से कुमारी कन्याओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह अन्य व्रत उपवास की तरह सिर्फ सुहाग या मनोवांछित वर पाने के लिए नहीं किया जाता है बल्कि इसका विशेष प्रयोजन होता है। ऋषि पंचमी का व्रत खास तौर से अप्रत्यक्ष या अनजाने में महिलाओं द्वारा हुए पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। यही कारण है कि इसे हर उम्र और वर्ग की महिलाएं विशेष तौर पर कर सकती हैं। तो ये इसकी खास और रोचक बातें हैं। खास तौर से महिलाओं की माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत एक और सबसे खास बात यह है कि इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है बल्कि इस दिन विशेष रूप से सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। इस व्रत में अपामार्ग नामक पौधे का विशेष महत्व होता है जिसके तने से दातून और स्नान किए बिना ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत पूर्ण नहीं होता। समस्त पापों का नाश करने वाले यह व्रत अत्यंत पुण्य फलदायी है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।